अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं न्यू स्टाइल से पकौड़े लेकर हाजिर हुई हूँ। एग लच्छा पकौड़े जो बिल्कुल अलग स्टाइल से आप बना सकते हैं, मैं बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं बॉइल्ड एग, ये मैंने 3 बॉइल्ड एग ले लिए हैं, उनको ऐसे कट कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ आलू, ये मैंने 2 आलू लिए हैं जिन्हें ग्रेट कर लिया है, ये उबले हुए नहीं है, ये नॉर्मल है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए थोड़े से अनियन, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। अब यहाँ पर मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड मिर्च पाउडर, और इसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर सॉल्ट 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के। उसके बाद यहाँ डलेगा 1 टीस्पून चाट मसाला, और इसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब डाल लिया है थोड़ा सा बेसन, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे करके आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आपको प्याज भी बारीक रखनी है, और अगर आलू आप ग्रेट करना चाहते हैं इस तरह से तो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मेरा ये बनकर मिक्सचर रेडी हो चुका है। इस तरह आपको इसे हाथ पे लेना है, और जो हमने बॉइल्ड एग लिया था उसको इसके अंदर डालकर और अच्छे से इसे कवर कर देना है चारों तरफ से, और थोड़ा सा लगा लेंगे मिक्सचर जो हमने लिया था। और इसके आप जो भी शेप आप देना चाहें आपकी चॉइस के ऊपर है, लंबी शेप देना चाहते हैं, गोल शेप देना चाहते हैं, जैसे भी आप इसकी शेप देना चाहते हैं आप इसे दें, और इसे अच्छे से कवर कर लेना है बिल्कुल इस मिक्सचर से, इस अंडे को। नॉर्मली अगर हम अंडे का पकौड़ा बनाते हैं तो नॉर्मल हम बेसन से बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आलू और प्याज का एक्स्ट्रा टेस्ट इसमें डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही यम्मी बनके रेडी होता है। तो चलिए इसी तरह मैं एक दूसरा और बनाना आपको दिखा देती हूँ कैसे बनेगा। थोड़ा सा ये रिस्की है क्योंकि बेसन को कवर करने में इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं, ये हो जाएगा लेकिन आसानी से। इसे अच्छे से पूरा आपको कवर करना है, इस तरह से आप इसे कवर कर लें और सारे पकौड़े आप इसमें बना सकते हैं। ये मैंने इसकी थोड़ी सी लंबी शेप दी है, और मेरे सारे बनके ये मैंने मिक्सचर में अंडे बना के बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर अपना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बहुत केयरफुली ये जो मैंने अंडे के कबाब या पकौड़े कह सकते हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत आराम से आपको इसमें डालना है, और 2 मिनट के लिए आप इसे बिल्कुल भी छुएं नहीं। इसके बाद आप किसी भी फॉक से या फिर किसी भी स्पून से आप इसे ऐसे हल्के हल्के इसे पलटें। अब ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है अच्छे से, अब हम इसे अच्छे से पलट देंगे, और लाइट ब्राउन होने तक हमें अपने पकौड़े फ्राई करने हैं। ये मैं यहाँ पर इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। 6 to 7 मिनट्स आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करने हैं। अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं ये देखिए, और ये अब मैं इसको निकाल कर अलग से एक सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। ये मेरे सारे लच्छे पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए मैंने इनको शिफ्ट कर लिया है सर्विंग प्लेट में। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है टोमेटो सॉस, आप ग्रीन चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट आता है वो टोमेटो सॉस के साथ आता है। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर आपको एक कट करके दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए अंदर से इसमें अंडा आएगा, और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी होते हैं। और इसमें ऊपर से जो आप ये आलू और प्याज का लच्छे का इसमें ऊपर से लगा रहे हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो ट्राई करें इस रमज़ान इस रेसिपी को, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह।